जेनर डायोड 12 वोल्ट का, एक साइड से वोल्टेज पासिंग, दूसरी साइड से एक डायोड की वैल्यू आनी चाहिए है। की वोल्टेज इन्हों पासिंग वोल्टेज है, सिग्नल कितने लोकल फीडबैक या सिग्नल देना ये उदो असं इस्तेमाल करा। वी मीटर है, वी मीटर है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, की हाल है? अज मैं अपनी वर्कशॉप का तुम जिक्र कराना और अपने लड़कियों का और काम के मुताबिक थोड़ा कि यह सारे मीटर जड़े ने पहले मेरी टीम है जी सारी, असं एक प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसके काम कर रहे हैं। तो आओ हम तुम थोड़ा जहाँ चीज़ों के मुताबिक दस रहे हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, यह भी मीटर है, तो यह टेस्ट लैंप है डी सी, यह भी मीटर है। ये मीटर जिहड़ा साडा ये यूनिवर्सल मीटर है, यह साडा सिग्नल टेस्टर है। सिग्नल कितने लोकल फीडबैक या सिग्नल देना ये उदो असं इस्तेमाल करांगे। इन्हां सारे मीटरां ते असीं इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जीतने हैं, एसियां दे मुतलक उन्हां दे कंपोनेंट्स, IPM ट्रांजिस्टर वगैरह, यह भी एक मीटर है। मीटर के तौर पर इन्हूं इस्तेमाल करीदा, यह LCR मीटर के नाल लगा के इस्तेमाल करीदा। जे असीं इस मीटर से कलामीटर जिहड़ा कलामीटर से असीं यह मीटर तैयार करांगे और इस तो असीं की काम लै सकते हैं और ये किवें बनता और की चीज़ां असीं इस ते चैक कर सकते हैं। तो यह देखो 220 वोल्ट है AC न्यूट्रल ते लाइन, लाइन 20K की डिस्टेंस लगा के, दूसरी न्यूट्रल ते भी 20K की डिस्टेंस लगा के असीं एक रैक्टीफायर के उपर AC पॉइंटा के उपर ये दो लगा दें। चार डायोड लगा के एक रैक्टीफायर बनता है, यह चार डायोड है। इन्हां दा इंटरनल डायाग्राम है, माइनस असा थले लै जानी है DC माइनस, प्लस भी असा थले जा के एक है DAC है, DB3 इसका कोड है, यह DAC ये फैन टीमर के अंदर भी होंगे। तो यह दूसरा DAC, इन्हां दोनों के असी सीरीज कनैक्शन करने हैं, प्लस तो माइनस के नाल लगा देने। की वोल्टेज इन्हां दे पासिंग वोल्टेज है, वोल्टेज पासिंग तो बाद असी चलाए जाना है प्लस तो माइनस जिहड़ियां ने प्राबा उन्हां नूं कलाम मीटर की प्लस प्लस नाल माइनस माइनस नाल लीडां अपनियां रेडी हैं और असी चलने हैं इस सर्कट को तैयार करने हैं। तुम दसने कि जिहड़ी जिहड़ी चीज़ां इस ते असी इस्तेमाल करनियां ने उन्हां चैक किवें करना है और उन्हां दा चैक करन दा तरीका कर। असी हुण लैने आ रैक्टीफायर, रैक्टीफायर ब्रिज, असी उन्हूं टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आ गई डायोडा की, यह सिंगल डायोड की वैल्यू, यह दूसरे डायोड की, हुण यह चौथी टंग दी इसकी दोनों डायोडा की डबल वैल्यू आनी चाहिए। तो मतलब साडा रैक्टीफायर ठीक है, ये पहला टेस्ट है। उस तो बाद असी दूसरा टेस्ट जिहड़ा प्राबा चेंज करांगे, चेंज करके अगर असी रैड ते चेक कीता हुण असी ब्लैक ते कर रहे हैं। मीटर बिल्कुल कोई वैल्यू या कोई बीप नहीं आनी चाहिए, अगर आए तो समझो शार्ट है। यह रजिस्टेंस है, ये 20K की रजिस्टेंस है, असी इस भी चैक कर लें मजीद कि वाकई ही 20K की है, पुराने सर्कट के बीचों कढ़िया ने। 19.50 दरअसल होंगे इस तरह कि 5-10% पिछों ही जो मैन्युफैक्चरिंग इन्हें वो इतना फर्क निकल आता। हूँ असी ये सर्कट में तैयार करने सोल्डिंग वगैरह का प्रोसैस करने हैं, तो यह नाल देखी जाना दो रजिस्टेंस ऐसा लगा दी AC पॉइंटा दे, ठीक है। उस तो बाद DAC लेना, DAC दोनों DAC असी सीरीज़ दे विच जोड़ना, दो DAC जोड़न तो बाद प्लस और माइनस के पैरालल दे विच दोनों DAC सीरीज़ दे विच करके ते रैक्टीफायर दे प्लस और माइनस दे विच पैरालल लगा देने। ये 50-60 वोल्ट तक सानू पासिंग वोल्टेज देंगे, फाइनली जाके इसकी ये शक्ल निकलेगी। हुण असी इसकी आउटपुट कढ़ने और असी इस इनपुट देने हैं। और फिर असी इसका रिजल्ट देखने कि सानू ये की रिजल्ट देता है। वोल्टेज सानू इस सर्कट दिते ने जी, यह देख लो ये DC वोल्टेज है 53। ओके, हुण असी सब तो पहले असी LED असी इस ते चेक करने हैं। ओके ओके, 3 LED 15 वोल्ट ले रही हैं, चौथी LED विच ऐड हो जाएगी या 20 वोल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि चीज़ दे वोल्टेज चीज़ किन्ने वोल्टेज ते जाके ऑपरेट होगी असी वो भी असी इस तो मालूम कर सकते हैं। यह देखो
जिम जिम एल ई डी वधेगी हर एल ई डी के 5 वोल्टेज जिहड़े ने ऐड होंदे जाणगे। ए सी दे आउटडोर कार्ड दे विच हुंदा सर्ज अरेस्टर। हुण असीं इस नूं चैक करने इहदे विच बिल्कुल वोल्टेज पास नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज कोई पास होए मतलब खराब है। हुण लीडां असीं बदल लैने आ, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वोल्टेज जिहड़ा ड्राप नहीं होना चाहिए। ओके असीं ओके मन्निया इस नूं इस तरीके चैक करीदा। इहदे सिर्फ एक डाईओड की वैल्यू सिर्फ देगा, बाकी वोल्टेज पासिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वोल्टेज स्विचिंग इन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस ए देखना बिल्कुल कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होया। ए एक डाईओड की उन्हें वैल्यू दस दी है, मतलब ठीक है। दो टंगा तो सिर्फ इन वैल्यू दसनी चाहिए, वो भी डाईओड की वैल्यू, वोल्टेज पासिंग नहीं। जैनर डाईओड 12 वोल्ट का, एक साइड तो वोल्टेज पासिंग, दूसरी साइड तो एक डाईओड की वैल्यू आनी चाहिए, तो मतलब ठीक है। ओके डाईओड की वैल्यू मिल गई, मतलब ठीक है, सिर्फ जैनर दे वोल्टेज पासिंग होएगी। ऐ जी SMD डायोड, असी इस नूं चेक कर लेने, सिर्फ डायोड वैल्यू दसनी चाहिए, वोल्टेज पासिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डायोड की वैल्यू आनी चाहिए। वोल्टेज पासिंग होए मतलब खराब है, ए डायोड की वैल्यू है। ओके लीडा बदलियां, ऐ देख सकते हो सिर्फ डायोड की वैल्यू उन्हें दिखाई है, वोल्टेज पासिंग नहीं दिखाई, मतलब ओके। यह जुगाड़ी सप्लाई है, इसमें असी LCR मीटर के नाल लगा के असी लोकल फीडबैक वगैरह दे के इंशाल्लाह कोशिश करांगा अगली वीडियो इसे ते होवे। अगर वीडियो चंगी लगी है तो लाइक करो।